हेलो एवरीवन। तो इस टाइम सर्दियों के सीज़न में मटर बहुत ही ताज़े ताज़े मिल रहे हैं, तो चलिए हम बनाते हैं मटर से बहुत ही झटपट सा नाश्ता। यहाँ पे मैंने देखिए पोहा ले लिया है आधे कप के करीब, उसे में पानी में डाल के अच्छे से धो लेना है। पोहे को धो के हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी एक लाल मिर्च और धनिया लेके मटर के साथ इसे हम मिक्सी के जार में डाल के, इसमें हम हल्का सा हींग डालेंगे और आधा चम्मच जीरा। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने भिगो के रखा था पोहा, और इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमें बस इसे दरदरा चलाना है, बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं पीसना है। और देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है, इसमें जो दो चार तो खड़े पोहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं, वो हम मैश करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। और देखिए इस बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे किशमिश और थोड़े से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, जिससे कि बहुत क्रंची और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से बाइंडिंग कर लेना है। ये बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का नाश्ता है और बहुत ही यूनिक अलग तरीके का नाश्ता है, इसका टेस्ट बहुत शानदार आता है, तो आप इसे ज़रूर से बनाएं। कम तेल का यूनिक सा और हल्का नाश्ता है। इसमें थोड़े से हम खड़े मटर डालेंगे ताकि बीच बीच में मटर का भी क्रंच आता रहे मुँह में, तो अच्छा लगता है खाने में। और देखिए ये बैटर तैयार हो गया। इसे हम हाथ से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे टिक्की के साइज़ का। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल 1 चम्मच 2 चम्मच करीब ले लिया है पैन में, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से डालते जाएंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम करीब 3 से 4 मिनट तक एक तरफ से सेकेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा तो उसे हम पलट लेंगे। देखिए ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी बना था कि इसके क्या कहने। और इस वजह से 1-2 ठो ये देखिए थोड़ा सा पलटने में बिखर भी गया था, लेकिन ये खाने में बहुत डिलीशियस था क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिस्पी था, अलग ही टेस्ट था इसका। तो इसे आप ज़रूर से ठंडियों में बनाएं, झटपट बन जाता है ये। तो देखिए बन के अच्छे से तैयार हो चुका है झटपट सा नाश्ता, बहुत ही कम समय में 10 मिनट में बन जाता है इसे बनाएं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैंने इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व किया है तो